हमारे साथ मंच पर पूर्व में रहे केंद्रीय मंत्री, कई बार रहे सांसद आदरणीय सलीम शेरमानी साहब, आपके सांसद धर्मेंद्र यादव जी, मंच पर उपस्थित विधायक और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नौजवान आशीष यादव जी, पूर्व विधायक मुस्लिम खान साहब, सुरेश पाल सिंह चौहान जी, नजमुल खान साहब, अशोक यादव जी, डॉक्टर शकील अहमद और कृष्णपाल सिंह यादव जी, और मंच पर और हमारे मंच के आसपास सभी समाजवादी पार्टी के नेता, इस चुनावी जनसभा में उपस्थित आदरणीय बुजुर्ग किसान भाई, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, माताएं बहनें पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा इस ऐतिहासिक जनसभा के लिए। ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, पूरा मैदान भरा हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, पूरा मैदान भरा दिखाई दे रहा है। और ये जो सबसे ऊंचा बैठा है, ये जानबूझ के नारा लगा रहा है, जैसे हम इसे देख लें उस तरफ। और हम जानते हैं बदायूं की जनता लोगों को ऊंचाई तक पहुंचाती है, कम से कम एक बार फिर हम समाजवादियों की सरकार बना दो, यही निवेदन, यही अपील मैं आप सब से करने आया हूं। ये दूसरे चरण का चुनाव है और आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, इसके बाद तो अब कोई आएगा भी नहीं निवेदन करने, अपील करने, और विरोधी लोग भी कहीं छिपे होंगे, अभी पता नहीं कहां होंगे, क्योंकि उन्हें खुद पता है कि इस बार तो सरकार समाजवादियों की एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बनेगी। और ये इतिहास बहुत दिनों बाद, ये इतिहास बहुत दिनों बाद दोबारा मौका मिल रहा है किसी सरकार को, इधर वर्षों से कभी दोबारा किसी की सरकार नहीं बनी, लेकिन हमें भरोसा है आप लोगों पर कि आप हमें एक बार मौका देंगे। जहां तक चुनाव और समाजवादी पार्टी का सवाल है, कम से कम हमारे लोगों को, गरीबों को, किसानों को यह भरोसा है कि समाजवादी लोग जब भी कोई वादा करते हैं, जब भी कोई बात घोषणा पत्र में अपनी लिखते हैं, सरकार बनती है तो उसको जमीन पर उतारने का भी काम समाजवादी लोग करते हैं। हम समाजवादियों की कथनी करनी में कभी भेद नहीं रहा, जो घोषणा पत्र में लिखा जनता ने मौका दिया, हमने आपके बीच में उतारने का काम किया है। अगर एम्बुलेंस है आज, कम से कम हमारे गरीब गांव में रहने वाले किसान इस बात का भरोसा है कि अगर कोई तकलीफ में है, परेशानी में है, अगर वो फोन मिलाता है तो एम्बुलेंस उसके पास पहुंच जाती है, उसकी मदद करने का काम करती है। ये एम्बुलेंस पर तो भरोसा है, आने वाले समय में कम से कम अस्पताल में इंतजाम हो जाए कि कोई गरीब किसान अगर बीमार हुआ और इलाज के लिए आया तो पूरा का पूरा इसका इलाज और इंतजाम ऐसा कि एक भी पैसा आपको न देना पड़े, इलाज हो जाए। ये आपके बगल में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, आप में से बहुत सारे लोग शिलान्यास में भी पहुंचे थे, उद्घाटन में भी गए थे, और कम से कम अब तो वो बनने तैयार हो गया है। यही मेडिकल कॉलेज मैं समझता हूं आने वाले समय में मौका मिलेगा, जो आसपास के जितने भी लोग हैं, अगर उन्हें गंभीर बीमारी में कभी इलाज की जरूरत पड़ेगी तो ये मेडिकल कॉलेज उनकी इलाज कराने में मदद करेगा। साथ ही साथ डॉक्टर बनेंगे, और जो पैरामेडिकल हैं, नर्सेज हैं, और तरह का स्टाफ होता है, आने वाले समय में हम पैरामेडिकल भी यहीं पर बहुत शानदार मेडिकल कॉलेज बन करके, और पैरामेडिकल तैयार होगा। ये सुविधाएं दे रहे हैं, ये पुलिस के लिए भी इंतजाम कर दिया, पहले तो कई बार फोन मिलाते थे, फोन नहीं उठता था थाने का, और अगर कभी एसओ साहब का दिमाग गरम रहा हो
आपने फोन मिलाया तो पता नहीं कौन सी भाषा इस्तेमाल कर दी, फोन रखना पड़ता था, लेकिन ये 100 नंबर का इंतजाम कर दिया है, दिन रात जब चाहो तब फोन मिला लेना, फोन उठेगा, कोई आपसे व्यवहार खराब नहीं करेगा और घटना स्थल पे 10 या 15 मिनट में पुलिस पहुंचने का इंतजाम करेगी। हम तो कहते हैं अगर किसी ने ऐसा अच्छा इंतजाम किया हो तो बता दो, देश में किसी प्रदेश में इंतजाम नहीं है। 100 नंबर सीएस को और अच्छा करना है, और आने वाले समय में जो थोड़ी बहुत बुराई है पुलिस की, कभी कभी पुलिस वाले भी थोड़ी बुराई में शामिल हो जाते हैं, वो बात कह देंगे तो टीवी वाले रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर आने वाले समय में अगर कोई बुराई होगी 100 नंबर पे आप लिखा देना, तो वो वापस कराने का काम भी आपका सरकार में करेंगे। इसलिए अब तो घोषणा पत्र पढ़ लिया होगा, हम लोगों ने गाय भैंस के लिए भी कह दिया, इंतजाम कर दिया है कि आने वाले समय में सरकार बनेगी, अगर एम्बुलेंस आ सकती है, पुलिस आ सकती है, तो अगर जानवर गांव में बीमार होगा फोन कर देना, डॉक्टर और दवाई गाड़ी से आएगी और इलाज करने का काम करेगी। ये सुविधाएं देना चाहते हैं हम। तो जानते ये बात भी कि कभी कभी गांव की दो चीजों से राजनीति होती है पूरी, एक वो कोटेदार से राजनीति चलती है और दूसरी पेंशन बना दो और काट दो। इसलिए हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं कि बहुत काम किया इस बार, राशन गरीबों को कैसे मिले उसका इंतजाम करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। चाहे हमें तकनीक का इस्तेमाल करना पड़े, चाहे व्यवस्था को बदलना पड़े, चाहे कोटेदारों को थोड़ा ज्यादा लाभ देना पड़े, लेकिन अपने गरीबों को राशन दिलाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। वहीं बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जो पेंशन नहीं मिल रही और पेंशन से छूट गए, गरीब परिवार हैं। अभी तो 55 लाख महिलाओं को हम पेंशन दे रहे हैं, आने वाले समय में तय किया है कि एक भी गरीब परिवार का सदस्य नहीं बचेगा जिसको पेंशन हम न दे दें, और 1,000 रुपया महीना पेंशन देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। जो प्राइमरी स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय, इसमें पढ़ाई तो है ही नहीं, और जो बच्चे भी जा रहे हैं वो सबसे गरीब बच्चे जो गांव के वो जा रहे हैं। मैं कई बार मौके पे गया उन स्कूलों को देखने, और मैंने पढ़ाई देखी वहां पे, जो बच्चे हैं वहां पर पढ़ नहीं पाते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिखा हो वो भी नहीं पढ़ पाते, किताब में है वो भी नहीं पढ़ पाते। मैं एक गांव में गया जब प्राइमरी स्कूल में, और मैंने देखा कि बच्चे वहां पे 6-7 हैं, मैं सब बच्चों से मिला 6-7, और बाद में मैंने जानकारी की ये किस घर के हैं, सब लोग गांव के सबसे गरीब परिवारों के सदस्य बच्चे पढ़ रहे थे, क्योंकि मुझे पता था बगल में मेला चल रहा है, तो मैंने उनको 500-500 रुपए दे दिए। और बाद में जानकारी हुई मुझे कि स्कूल में अब सब बच्चे आने लगे और इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री कब आएंगे। तो इसलिए अभी तो थोड़ा बहुत इंतजाम किया है, कपड़े दिया है, बैग दे दिए, बर्तन दे दिए, हफ्ते में एक दिन दूध देना शुरू कर दिया है, फल देना शुरू कर दिया हफ्ते में, और अब तय किया है कि 1 किलो मिल्क पाउडर और हर महीने 1 किलो घी भी प्राइमरी स्कूल में जो पढ़ने आएंगे उन बच्चों को सरकार की तरफ से देने का इंतजाम होगा, क्योंकि कम से कम उनका स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। तो हम तो पूछना चाहते हैं कि किसी पार्टी के पास और अच्छा काम हो तो बताओ। ये बीजेपी वाले अच्छे धन दिखा करके हमें और आपको सबको लाइन में लगा दिया, कोई बचा जो लाइन में नहीं लगा, और किसी का बचा 500-1,000 रुपया जो नहीं जमा हो पाया, सब गरीबों ने अपना 500-1,000 रुपया जमा करा दिया, किसी का नहीं बचा 500-1,000। और हम तो जानते हैं कि बहुत सारे गरीब जो लाइन में लगे थे अपनी ईमानदारी का पैसा लेने के लिए, जिन्होंने छोटा मोटा व्यापार करके कमाया था, दुकान लगा करके, ठेला लगा करके, और जब लाइन में लगे तो उनकी जान चली गई। कोई मदद बीजेपी के लोगों ने नहीं की, अगर किसी ने मदद की तो समाजवादियों ने, और उनके परिवार को 2-2 लाख रुपए देने का काम समाजवादी ने किया। वहीं अखबार में आपने पढ़ा होगा कि लाइन में लगे लगे एक बच्चे का भी जन्म हो गया, और बैंक वालों ने उस बच्चे का नाम खजांची रख दिया। मैंने उस परिवार को ढूंढवाया तो सबसे गरीब परिवार निकला उस मोहल्ले का,
उसकी मां को मैंने बुलाया और अपनी तरफ से 2 लाख रुपए की उसकी भी मदद की, कम से कम छोटा मोटा खजांची बना दिया। और अभी तक तो हम और आप जानते थे, लेकिन अब तो बीबीसी वाले भी खजांची को जान गए हैं, न्यूज निकाल दी उन्होंने, अब तो पूरी दुनिया जान गई खजांची कौन था। तो सोचो कितनी तकलीफ दी, परेशानी दी लोगों को। और याद रखना, ये पैसा काला सफेद नहीं होता, अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो वो हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। हमने कोई कारोबार किया, मुनाफा कमाया और उस पर टैक्स नहीं दिया, वो काला हो गया। और उसी काले पैसे से अगर कोई कारोबार किया गया, मुनाफा कमाया, टैक्स दे दिया, तो वही पैसा सफेद हो गया। इसलिए साथियों याद रखना, कोई पैसा काला सफेद नहीं होता, अगर काला सफेद होता है तो हमारा आपका लेन देन। और जब तक हम और आप नहीं चाहेंगे, तब तक न भ्रष्टाचार और न ही काला धन कभी वापस आ सकता। लेकिन कोई काम किया हो तो बताएं। प्रधानमंत्री आए थे बदायूं में और पता नहीं क्या क्या कह के चले गए। ये भी कमाल के प्रधानमंत्री हैं, जो चाहते हैं सो कह देते हैं। और मुझे तो ये लगता है ये बीजेपी के लोग कुछ उनको लिख करके देते हैं, वही प्रधानमंत्री बता देते हैं। शायद बदायूं के लोग जानते होंगे, बिजली सबसे ज्यादा है समाजवादियों ने लगवाई गांव गांव, और हम कह के जा रहे हैं कोई गांव आने वाले समय में नहीं छूटेगा जिस गांव में हम लोग बिजली ना लगा दें। और वहीं शहर में तो पहुंचा दे रहे हैं 24 घंटे बिजली, और गांव में भी 14, 16, 18 घंटे पहुंचा रहे हैं। आने वाले समय में शहर के साथ साथ गांव में भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का समाजवादी लोग कराएंगे। और फिर प्रधानमंत्री तो कर रहे हैं केवल मन की बात, रेडियो पे मन की बात, टीवी पे मन की बात, और गरीब किसान गांव वाले जाने ही नहीं अब तक बीजेपी के ही मन की बात। और हम तो कहते हैं ये मन की बात छोड़ो, कुछ काम बताओ कि आखिरकार कुछ काम किया है कि नहीं किया है। और अभी तक कोई काम की बात नहीं की, यहां भी आए कोई काम की बात नहीं। हम तो कहते बीजेपी के लोगों ने एक कोई काम किया हो गरीब किसान के लिए तो हमें बता दो। पूरी सत्ता में पहुंच गए, बड़े संख्या में सांसद जीत गए, लेकिन गरीब और किसान की कोई मदद करने का काम नहीं किया। इसलिए साथियों हम आपसे कहना चाहते हैं, पूरे देश में अगर कोई है जो गरीब किसान और गांव में और मजदूर के लिए काम करना चाहता है, तो वो समाजवादी पार्टी और समाजवादी लोग। हम लोगों ने जो कहा, अगर कहा कि लैपटॉप दे देंगे तो कम से कम लैपटॉप पहुंचा दिया, और आने वाले समय में तय किया है कि सरकार से सीधा सीधा जुड़ जाएं, सरकार की जानकारी आप तक पहुंच जाए, आप कुछ जानना चाहते हो वो सरकार से जानकारी मिल जाए, इसलिए स्मार्टफोन देने का काम भी, और आम लोगों को सीधा सीधा सरकार से जोड़ने के लिए स्मार्टफोन देने जा रहे हैं। जहां तक एक वो पत्थर वाली सरकार है, जो पत्थर वाली सरकार, उसने कोई काम नहीं किया, केवल पत्थर और स्मारक बनवाए। और लखनऊ में जो लगे हाथी पिछले 9 साल से तो हम देख रहे हैं, जो हाथी खड़े वो खड़े ही हैं, जो बैठे वो बैठे ही हैं, और खड़े वाले हाथी बैठे नहीं, बैठे वाले हाथी अभी तक खड़े नहीं हुए। सोचो वो सरकार क्या काम करेगी। इसलिए चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन हम आपसे विशेष निवेदन अपील करने आए हैं, ये समाजवादी पार्टी आपकी है, आपने इसको बना करके यहां तक पहुंचाया, और एक बार तो लगा कि हमारी साइकिल छिन जाएगी, लेकिन साइकिल बच गई देखो। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि ये सरकार बनने के बाद सबसे ज्यादा खुश अगर कोई होगा तो नेताजी होंगे, और सबसे ज्यादा सम्मान किसी का बढ़ेगा तो नेताजी का सम्मान बढ़ेगा। इसलिए हालांकि आज इनके पिताजी बनवारी सिंह जी हमारे साथ नहीं है, क्योंकि वो उनकी बीमारी के बारे में सब जानते हैं, गंभीर बीमारी के कारण नहीं पहुंच पाए, लेकिन सोचो अगर वो सोचते होंगे तो वो क्षेत्र के बारे में चिंता कर रहे होंगे, क्योंकि जो जिंदगी भर राजनीति करता है उसे अपने ही लोग याद आते हैं जिंदगी भर। और अगर वो अस्पताल में भी होंगे तो मैं समझता हूं वो यही सोच रहे होंगे कि आशीष कैसे अच्छे वोटों से जीत जाए, कैसे मैं उस प्रधान तक पहुंच जाऊं, मैं अपनी बात कह दूं। इसलिए ये जिम्मेदारी आपकी बनती है,
अगर वो लगातार आपके बीच में रहे, सेवा की है, मदद की है, और अगर आज तकलीफ में भी हैं, तो आपकी और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आशीष के ऐतिहासिक वोट दे करके इसको जिता करके भेज दें। इसलिए ये चुनाव आशीष का तो है ही है, लेकिन ये चुनाव बनवारी सिंह जी का और हमारा भी है। ये बताओ, ये चुनाव हमारा है कि नहीं है? इसलिए अगर कोई गलती आशीष से हो गई हो तो भुला देना, और बनवारी सिंह जी को याद रखना कि जिन्होंने इतना जीवन लगा दिया आपकी मदद करते हुए और इस समाजवादी पार्टी को यहां पहुंचाने के लिए। इसलिए मदद करो, और कम से कम हमारी मदद कर देना, क्योंकि हमें भी चुनाव में ही जाना पड़ रहा है, चुनाव हमारा भी है, इसलिए हमारी भी मदद करना, एक बार फिर सरकार बनाना। क्योंकि अभी तक तो जो सीख सकते थे सीख लिया, और जो राजनीति में हम लोग टेढ़े मेढ़े ऊंचे रास्ते जो देखने थे वो भी सब देख लिए। अब हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जो अनुभव पाया है, जो कुछ सीख पाए हैं, ईमानदारी से आपके लिए मदद करेंगे, और कैसे हमारा किसान, गरीब और नौजवान आगे बढ़े, उस दिशा में लगातार काम करते रहेंगे। इसलिए आप सबका धन्यवाद। इस भरोसे के साथ, इस भरोसे के साथ, इस उम्मीद के साथ कि जब वोट डालेंगे आप, तो एक एक वोट साइकिल के पक्ष में डाल देंगे, क्योंकि इस साइकिल का चुनाव है और कांग्रेस पार्टी साथ है। साइकिल का चुनाव और कांग्रेस पार्टी साथ है, इसलिए मदद करना आप, मदद करना अच्छे वोटों से, जिससे कि ऐतिहासिक वोटों से जीत करके आशीष जाएं। और हम भरोसा दिलाते हैं कि बदायूं को विकास में कभी पीछे नहीं रखा, इस बार बदायूं को और क्या क्या दे सकते हैं, और क्या क्या यहां पर काम हो सकता है, सड़क बिजली पानी का, उस दिशा में करेंगे। साथ ही साथ अपने तमाम नौजवान, उनको नौकरी और रोजगार का इंतजाम कैसे करें, उस दिशा में भी लगातार हम काम करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, इस भरोसे के साथ कि आप सब मिलकर के साइकिल चुनाव चिन्ह को जिता देना, ऐतिहासिक वोट डाल देना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आपको भी है, शुक्रिया। मगर फर्क कर दिया हमको सोने के वजह से।